नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। रायगढ़ जिले के विकास क्रम खंड धर्मजयगढ़ के आदिम जाति सहकारी सेवा समिति सिसरेंगा के धान खरीदी केंद्र में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 992 है, जिनमें से 934 किसानों ने कुल 61,924 क्विंटल 80 किलोग्राम धान का विक्रय किया है। जहां की मंडी से धान की उठाव नहीं होने से समिति के पास एक विकराल समस्या खड़ी हो गई है। वहीं प्रभारी प्रबंधक का कहना है कि समय पर धान की उठाव नहीं होने से धान में अत्यधिक मात्रा में सुखती आने की संभावना बनी हुई है, जिसके कारण धान में भारी मात्रा में सार्जेंट होने से समिति को लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि सिसरेंगा धान खरीदी केंद्र से मिलर्स और संग्रहण केंद्र के द्वारा धान का उठाव नहीं करने के कारण समिति के पास समस्या जस की तस बनी हुई है। परिचय दे जी, मेरा साखाराम राठिया है, समिति प्रबंधक सिसरेंगा। यहाँ का प्रभारी प्रबंधक श्री साधव कुमार राय जी हैं। राठिया जी, बताएंगे कौन सा मंडी के आप प्रबंधक हैं? सिसरेंगा सर। राठिया जी, बताइए कि ये जो उठाव को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? उठाव हमारे लिए आज के डेट में विकराल समस्या है सर। यदि उठाव नहीं होता है तो बाद में समिति को भरना पड़ता है। उठाव नहीं होने के कारण, लेट में होने के कारण शॉर्टेज जाता है, सूखता है, उसके चलते समिति को और हमारे को नुकसान होता है। इस संबंध में क्या आप शासन प्रशासन को नहीं? शासन प्रशासन को कल कलेक्टर महोदय जी का दौरा था, उनको भी बोले हैं कि धान को उठाव करवाइए सर। उन्होंने ने बोला है कि 15 फरवरी तक धान को उठाव करवाऊंगा बोल के, लेकिन हम हमेशा गुजारिश करते रहेंगे सभी को कि हमारा धान जल्द से जल्द उठाव हो और हमारा समिति ये सुखती के नुकसान से बचे।